आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। एक तरफ देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ सफाई के लिए अभियान चलाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भिंड जिले में एक पार्षद सफाई कर्मी की दबंगाई से परेशान है। और वार्ड में सफाई करना तो दूर, वो वार्ड में कभी आता ही नहीं है। अपने वार्ड में सफाई न होने और शिकायत पर नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही न होने से आहत एक पार्षद पति के द्वारा सफाई व्यवस्था पर अलग तरीके से विरोध दर्ज कराया है। 20 दिन से सफाई कर्मचारी के न आने से नाराज पार्षद पति ने अपने ही साथियों के साथ खुद ही हाथेला लेकर वार्ड में निकल पड़े और डोर टू डोर जाकर कचरा इकट्ठा किया। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बाद नगर पालिका अधिकारी सफाई कर्मचारी पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि शहर की सफाई व्यवस्था इस समय बदहाल चल रही है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वार्डों में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। वार्ड नंबर 20 में पिछले 20 दिन से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वार्ड की पार्षद सुलेखा दुर्बार के द्वारा इसकी शिकायत नगर पालिका के अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन सफाई कर्मचारी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी और वो सफाई करने नहीं आया। सफाई कर्मचारी की दबंगाई और नगर पालिका अधिकारियों की उदासीनता से आहत होकर पार्षद पति विनोद दुर्बार द्वारा खुद ही हाथ ठेला लेकर वार्ड में निकले और घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करके विरोध दर्ज कराया। सफाई व्यवस्था वार्ड में न होने से कल आपने डोर टू डोर गाड़ी लेकर कचरा संग्रहण किया है, तो क्यों किया है और ये क्या मामला है पूरा? सफाई के मामले में करीब करीब 10-15 दिन से परेशान था। दूसरी बात यह है कि मैं उसको घर पे ही बुलाने भेजा कर्मचारियों को, कहीं आता नहीं है कि घर में घुस जाता, कि मोटर साइकिल लेके बाहर निकल जाता था। मैंने सीओ साहब को 2-3 बार बताया, उसके बाद मैंने एचओ साहब को बताया और एचओ साहब बोले तनख्वाह काटने से कोई कर्मचारी का हल नहीं निकलता काम का। जब वार्ड में गंदगी का ढेर लगे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी आती। बाढ़ बाजी सुबह आके कहते भाई भाई साहब कचरा वाला नहीं आया। इस चक्कर में मेरे को मजबूर होके फिर गाड़ी लेके निकलना पड़ा। तब वो 10-50 घर का जितना था, लोगों के साथ में मना कर दिया, रुको भाई ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद सीओ साहब को मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने भी नहीं उठाया। 2-3 बार उनको लगाया, मैंने दरख्वास्त भी दी, उनको लिख के भी दिया कि साहब ये परेशान है, सफाई के मामले सबसे ज़्यादा हैरानी रहती है और बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लस अब मेरे को तो बाढ़ के लिए मतलब सफाई के मामले में रहना है, सब चीज़ में आऊँ काम करना है। बाढ़ हमारा पहले सबसे पहले काम है बाढ़ का। तो ना कोई आश्वासन मिला है क्या नगर पालिका की तरफ से? हाँ, उन्होंने बोला है कि तनख्वाह काटने से कोई उससे हल नहीं निकलता, जब तक कर्मचारी नहीं बदले जाएँगे और कर्मचारी तरीके से काम नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद दुर्बार, पार्षद पति सुलेखा दुर्बार, वार्ड नंबर 20।